हायरिंग के मामले में जून से नौकरी खोजने वालों को मायूसी हाथ लगी है। ये दावा फाउंडेड इनसाइट ट्रैकर्स यानी FIT की रिपोर्ट में किया गया है। हायरिंग में इस गिरावट की वजह IT, BFSI, होम अप्लायंसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई गिरावट रही है। FIT के मुताबिक जून में IT सेक्टर में हायरिंग 19% घटी है, जबकि BFSI में नई नौकरियों की तादाद 13% कम हुई है। वहीं होम अप्लायंसेज सेक्टर में 26% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायरिंग 14% घट गई है। इन आंकड़ों के बाद ये साफ हो गया है कि मासिक आधार पर रिक्रूटमेंट में कुछ इंडस्ट्री में सुधार के बावजूद हायरिंग सेंटिमेंट अभी भी कमजोर बना हुआ है। हालांकि अगर मई के मुकाबले जून में हायरिंग एक्टिविटीज का हाल देखें तो जून में मई के मुकाबले हायरिंग एक्टिविटीज 2% बढ़ गई है। इस दौरान हेल्थ केयर में हायरिंग 11%, BPO में 7%, मैन्युफैक्चरिंग में 5% और लॉजिस्टिक्स में हायरिंग गतिविधियों में 9% का इजाफा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहेगा और नई नौकरी खोजने वालों को मौके मिलते रहेंगे। अगर शहरों के हिसाब से देखें तो जून में मेट्रो शहरों में हायरिंग गतिविधियां 3% बढ़ी हैं, जबकि टियर 2 शहरों में नई नौकरियों के मौके 2% कम हुए हैं। इसके साथ ही अगर अलग अलग अनुभव वाले कर्मचारियों को मिलने वाले मौकों पर नजर डालें तो फ्रेशर्स की डिमांड स्थिर है। वहीं सीनियर लेवल की नौकरियों में महज 1% का इजाफा हुआ है, जबकि मिड सीनियर और इंटरमीडिएट स्टाफ की डिमांड 2% बढ़ी है और टॉप मैनेजमेंट की डिमांड में 4% की बढ़ोतरी हुई है। यानी नई नौकरियों के लिए मिलने वाले मौकों में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। इससे फ्रेशर्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों तक उन्हें नौकरी पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि फेस्टिव सीजन आते आते उम्मीद है कि वैकेंसीज में इजाफा होगा और इससे नए रिक्रूटमेंट्स के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।